नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री की मौजूदगी में एनसीबी ने जलाई 30,000 किग्रा ड्रग्स। अमित शाह बोले, तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 किलोग्राम से अधिक जब्त की गई दवाओं को 4 स्थानों पर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है। किसी भी समृद्ध राष्ट्र को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। हमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाकर युवा पीढ़ी को बचाना है। दरअसल दोस्तों, एनसीबी ने 1 जून से मादक पदार्थों के निपटान से संबंधित अभियान की शुरुआत की थी और 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते हुए फ्रीज। ईडी हिरासत में पार्थ चटर्जी का खुलासा। बोले, नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने शनिवार को पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता पद चटर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। 7वें दिन के पूछताछ में पार्थ चटर्जी ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दी गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। दोस्तों, अर्पिता के घर 28 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिले थे। उधर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने हटा दिया। कैंडिडेट्स अभिषेक से मिलना चाहते थे। पुलिस उन्हें सुबह से हटने का कह रही थी और वो नहीं हटे तो बलपूर्वक हटाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संकेत महादेव सरगर ने जीता सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला पहला पदक है। जी हां दोस्तों, भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का पहला मेडल है। दोस्तों, इस मुकाबले का गोल्ड मेडल मलेशिया के मोहम्मद अनिक ने जीता। संकेत 248 किलोग्राम का भार ही उठा सके। उन्हें क्लीन एंड जर्क के तीसरे प्रयास में हल्की चोट लगी जिसके चलते वह गोल्ड मेडल से चूक गए। संकेत ने स्नेच में 113 और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाया। मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने स्नेच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया। दोस्तों, श्रीलंका के दिलांका इसुरु कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर हो गया विवाद। बोले, मुंबई से राजस्थानियों और गुजरातियों को निकाल दो तो यहां पैसा नहीं बचेगा। विपक्ष ने कहा, यह मराठियों का अपमान है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहां रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दिया था। कार्यक्रम में कोश्यारी ने शुक्रवार को कहा था कि कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से, गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। उनका यह बयान महाराष्ट्र सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा। संजय रावत ने कोश्यारी के बयान पर सिंधे गुट को घेरा। उन्होंने कहा कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में सीएम सिंधे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं सिंधे गुट ने भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया। उद्धव और राज ठाकरे ने भी कोश्यारी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात कोर्ट ने खारिज की तिस्ता सित्तलवाड़ा और पूर्व डीजीपी की जमानत अर्जी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की एक अदालत ने शनिवार को गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सित्तलवाड़ा और पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों, दोनों मामलों की तस्दीक करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल एसआईटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। अदालत ने मंगलवार को सित्तलवाड़ा और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पहले बृहस्पतिवार और फिर शनिवार तक के लिए टाल दिया था। सित्तलवाड़ा, श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में नई सरकार के बाद पहली बार मिले भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री। रिश्तों में बेहतरी की दिखी गुंजाइश।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान सरकार के जाने और शहबाज शरीफ सरकार के आने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिले। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की एससीओ समिट यानी कि विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान में मुलाकात हुई। एबीपी न्यूज को भारत सरकार के सूत्रों ने यह बात कन्फर्म की है कि उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। हालांकि सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता नहीं हुई, मगर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बीच शिष्टाचार मुलाकात जरूर हुई और दोनों ने हाथ भी मिलाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के विकास में रुकावट डालने वालों को एनएसए अजीत डोभाल ने दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश की प्रगति बाधित हो रही है। डोभाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सूफी मौलवियों के साथ अंतर धार्मिक सम्मेलन में कहा, ऐसे तत्व धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। यह पूरे देश को प्रभावित करने के साथ ही देश के बाहर भी फैल रहा है। दोस्तों डोभाल ने कहा कि दुनिया में संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है, अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो देश एकता को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले कुछ सालों से देश को जो तरक्की कर रहा है उसका जो लाभ होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा। उन्होंने कहा कि चंद लोग जो धर्म या विचारधारा के नाम पर लोगों में हिंसा या संघर्ष पैदा करने का प्रयत्न करते हैं उनका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। ऐसे लोगों पर मजबूती से कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने फंगस लगे बेड पर जबरन लिटाया, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर राज बहादुर को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा द्वारा अपमानित किए जाने के बाद उन्होंने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा भेज दिया। कुलपति के सचिव ओपी चौधरी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। डॉक्टर राज बहादुर के इस्तीफे के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के व्यवहार को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्राहकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने 3 बैंकों पर लगाया बैन, अकाउंट से निकाल सकते हैं केवल 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले से इन बैंक ग्राहकों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बैन के बाद इन सहकारी बैंकों के ग्राहक सिर्फ 10,000 रुपए तक की ही निकासी कर पाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 3 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बासमत नगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपना खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक विलेन रिटर्न्स का फर्स्ट दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अर्जुन और जॉन इब्राहिम स्टारर एक विलेन 2 ने पहले दिन कमाए 7 करोड़, 2022 में हाईएस्ट ओपनिंग वाली 7वीं हिंदी फिल्म बनी। जी हाँ दोस्तों, एक्टर जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतवारिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म एक विलन रिटर्न्स एक दिन पहले शुक्रवार यानी कि 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। हालांकि फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, पहले दिन फिल्म ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही दोस्तों एक विलन 2 साल 2022 में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली 7वीं हिंदी फिल्म बन गई। दोस्तों ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया से पहले दिन 7.05 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तरण आदर्श को उम्मीद है कि फिल्म के बिजनेस में दूसरे और तीसरे दिन अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों फिल्म को इंडिया में 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यपाल के बयान पर आग बबूला उद्धव ठाकरे, बोले समय आ गया है कि कोश्यारी वापस जाएं या फिर जेल भेज दिए जाएं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबई करों के पैसे वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब राज्यपाल से उनके बयान के लिए माफी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अब तय करने का समय आ गया है कि वो राज्यपाल जेल जाएं या फिर वापस अपने राज्य चले जाएं। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया है कि वे मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं को बांटने का काम कर
रहे हैं। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के मन में मराठी लोगों के प्रति जो घृणा है वह अनजाने में ही बाहर आ गई है। उन्होंने राज्यपाल से मराठी लोगों से माफी मांगने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार पर राम सेतु की छवि बिगाड़ने का आरोप। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, खिलाड़ी पर केस करेंगे, देश से निकालने की मांग भी करेंगे। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार उनकी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर है। स्वामी का आरोप है कि अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को दो ट्वीट करके फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार पर केस करने की बात कही है। स्वामी ने कहा है कि अगर अक्षय कुमार विदेशी नागरिक हैं तो हम उनकी गिरफ्तारी और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। भाजपा नेता स्वामी ने पहले ट्वीट में लिखा कि मैं अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया। उनकी इस फिल्म से राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचा है। मेरे वकील सत्य सबरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के सेट पर लगी आग में एक व्यक्ति की मौत। जी हाँ दोस्तों, लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म के सेट पर मुंबई में शुक्रवार यानी कि 29 जुलाई को आग लग गई थी। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अंधेरी वेस्ट स्थित चित्रकूट स्टूडियो में श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर स्टारर फिल्म के गाने की शूटिंग होनी थी। लव रंजन के सेट के साथ राजश्री प्रोडक्शन का सेट भी आग का शिकार हो गया। दोस्तों सिविक ऑफिशियल्स ने पीटीआई को बताया कि मनीष देवासी आग में घायल हो गए थे। मनीष को तुरंत ही सिविक रन कूपर अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मनीष की उम्र 33 साल थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन सिने एम्प्लाइज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने बताया कि एक व्यक्ति जो लव रंजन के सेट पर लाइटिंग का काम देख रहा था उसे भी कई चोटें आई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत में कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों नए मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण केंद्र और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को निरंतर वैक्सीनेशन और टेस्ट ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सके। दोस्तों बात करें ताजा आंकड़ों की तो देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,43,384 पर पहुंच गया है। दोस्तों देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.48% है, जबकि एक्टिव केस 0.33% है। आंकड़ों को देखें तो देश में बीते 24 घंटे में कुल लगभग 21,000 लोगों ने कोरोना को मात दे दी, जिससे इन लोगों की संख्या 4,33,30,442 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन के 33,87,173 डोज दिए गए, जिससे देश में कोरोना टीका देने का आंकड़ा 203.94 करोड़ हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीते 2 मेडल, संकेत ने सिल्वर और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, संकेत महादेव के सिल्वर मेडल जीतने के बाद में अब गुरु राजा ने स्नेच में अधिकतम 118 केजी और क्लीन एंड जर्क में 151 केजी वेट उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 269 केजी वेट उठाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों अजनील मोहम्मद 285 केजी के साथ पहले और पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू 273 केजी के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों इस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह दूसरा मेडल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बरेली में बवाल, कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंका, डीजे बजाने से भी रोका, पुलिस ने लिया यह एक्शन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जारी कांवड़ यात्रा के बीच बरेली में कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कांवड़ियों के डीजे संगीत बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों के विरोध करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर छत से गंदा पानी भी डाल दिया। इस बात को लेकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और कार्यवाही की मांग की। दोस्तों अब इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र के लाखोरा गाँव से कांवड़ियों का जत्था शुक्रवार को परगवा गाँव से निकल रहा था। गाँव में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई और उसी दौरान किसी ने छत से कांवड़ियों के जत्थे के ऊपर पानी फेंक दिया, जिसके बाद विवाद हो गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लुलु मॉल में नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने के आरोपी रिहा, कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। जी हां दोस्तों, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने के आरोपी जमानत पर रिहा हो गए हैं। जमानत पर जेल से बाहर आए आतिफ और रेहान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो 12 जुलाई को मॉल घूमने गए थे। शाम को नमाज का वक्त हुआ तो वो जगह ढूंढने लगे, इसी बीच एक व्यक्ति वहां नमाज करते दिखाई दिया। इसके बाद वो मॉल के एक कोने में नमाज पढ़ने लग गए। उन्होंने बताया कि नमाज एक कोने में की गई और करीब 5 मिनट तक पूरी नमाज पढ़ी। नमाज की दिशा को लेकर उन्होंने बताया कि नमाज के बाद दुआ के वक्त घूमकर बैठा जाता है, इसलिए लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया। आतिफ ने बताया कि तीसरे दिन वीडियो वायरल होने के बाद वो डरे हुए थे कि कहीं कोई उन्हें मार न दे, इसलिए वो सामने नहीं आए। इन लोगों को लखनऊ पुलिस ने बिना परमिशन के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में अरेस्ट किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस खतरनाक बीमारी से अब तक 1200 पशुओं की मौत, पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंची बीमारी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में हजारों पशुपालकों के लिए संक्रामक गांठदार त्वचा रोग मुसीबत बन गया है। यहाँ लगभग 1200 मवेशी इस बीमारी से अब तक मर चुके हैं। ये बीमारी इस क्षेत्र में तेज गति से फैल रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 3 महीने की अवधि में लगभग 25,000 मवेशियों में संक्रमण फैल गया है। अकेले जोधपुर जिले में पिछले 2 सप्ताह में 254 मवेशियों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। दोस्तों, संक्रमण के गंभीर प्रसार को देखते हुए विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम को जुटाया और पशुपालकों को सलाह दी है कि वे अपने मवेशियों को संक्रमित होने से बचाने के लिए अलग थलग रखें। नारीवाड़ा के भाजपा विधायक नारायण सिंह देवल ने राज्य सरकार से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का अनुरोध किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म गुरु बोले, सर तन से जुदा नहीं है हमारा नारा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जादीन काउंसिल के इंटरफेथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की तरक्की को बाधित कर रहे हैं। वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कटुता और संघर्ष पैदा कर रहे हैं। इससे पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, काउंसिल के अध्यक्ष हजरत सैयद नसुद्दीन चिश्ती ने एनएसए के सामने कहा कि सर तन से जुदा हमारा नारा नहीं है, यह इस्लाम विरोधी नारा है। उन्होंने कहा कि एक एंटी रेडिकल फ्रंट स्क्वाड बनाया जाए जिसमें सभी संगठन एक साथ आएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं तो उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सौरव गांगुली 7 साल बाद मैदान में उतरेंगे, फिटनेस के लिए जिम में बहा रहे हैं पसीना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में बुलंदियों पर पहुंचाने और विदेशी जमीन पर जीत का चस्का लगाने वाले कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वह इस साल होने वाले लीजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में उतरेंगे। गांगुली 7 साल बाद क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, इस बात की जानकारी पूर्व कप्तान गांगुली ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की जिनमें वह जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। गांगुली ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि वह एक चैरिटी मैच रहेगा में वह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यह मैच भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भी खेला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने गलत तरीके से हुए 48 डॉक्टरों के ट्रांसफर को कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, यूपी के स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों में योगी सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। डॉक्टरों के तबादले रोकने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। इसी क्रम में शनिवार को गलत तरीके से 48 चिकित्सकों के तबादले का आदेश निरस्त कर दिया गया। लेवल 1 के 313 चिकित्सा अधिकारियों के किए गए हस्तांतरण में 48 ऐसे चिकित्सकों के नाम गलत ढंग से सूची में अंकित किए गए थे जो लेवल 2 और लेवल 3 के आयुष दंत अन्य संवर्ग के थे। इसे लेकर तमाम विवाद भी हुए। अंततः इन सभी 48 चिकित्सकों का हस्तांतरण रद्द कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में हुए बदलावों की लिस्ट पर मंथन अभी भी जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना कॉलेज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ लगे वापस जाओ के नारे, एआईएसए ने किया घेराव। जी हाँ दोस्तों, पटना कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलेज में छात्र संगठन आईसा ने जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उनकी कार का घेराव भी किया।
भाजपा अध्यक्ष पटना कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वो जैसे ही कैंपस में पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो छात्रों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामले को बढ़ता देख जेपी नड्डा अपनी कार में वापस बैठ गए। इसके बाद भी छात्र नहीं रुके, उन्होंने उनकी कार को भी घेर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी मांग करते हुए सुने जा सकते हैं। दोस्तों, जेपी नड्डा खुद भी पटना कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। खास बात यह है कि जेपी नड्डा के खिलाफ पटना कॉलेज में उस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है जब राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकार और पुलिस को इस विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की पहले से कोई सूचना नहीं मिली। अपनी सरकार होने के बावजूद आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पटना कॉलेज में छात्र संगठन आईसा के छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध की भनक राजधानी पटना में नीतीश कुमार के किसी खुफिया विभाग के लेके पुलिस तक को नहीं लगी। यह मनीष पांडे ने ट्वीट किया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अगर आप जानते हैं अशोक चक्र का महत्व तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।